वेलकम स्टूडेंट सब्सक्राइबर, आज की कहानी है दो बैलों की कथा। इसका आज मैं आपको सार बता रही हूँ। इसकी व्याख्या मैंने अपने अन्य वीडियो में की है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यह कहानी प्रेमचंद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और इसमें किसानों में और पशुओं में जो भावनात्मक संबंध है उसके बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर एकजुटता जो है उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। सबसे पहले लेखक कहता है कि जानवरों में गधा सबसे मूर्ख होता है क्योंकि वह सीधा और सरल है, वह किसी बात का विरोध नहीं करता है। बैल के विषय में भी लोग ऐसा ही मानते हैं, लेकिन यह बात सच नहीं है। बैल को जब गुस्सा आ जाता है तो वह मारता भी है और अड़ियल रुख भी अपने लेता है। झूरी काछी के यहाँ दो बैल थे। कहानी में एक का नाम हीरा है, दूसरे का नाम मोती है। दोनों ही बैल बहुत सुंदर, स्वस्थ और काम करने वाले थे। दोनों में गहरी मित्रता थी, दोनों साथ रहते, साथ काम करते। एक बार क्या हुआ कि झूरी ने दोनों बैल अपने साले गया को दे दिए और उन्हें लगा, बैलों को ये लगा कि उन्हें बेच दिया गया है, इसलिए गया के साथ जाने में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो गया के घर जाते हैं तो घास को मुंह तक नहीं लगाते हैं और दोनों मिलकर के रस्सियां तुड़वा करके वापस झूरी के घर चल पड़ते हैं। झूरी सुबह उठकर देखता है कि दोनों बैल नाद के पास खड़े घास खा रहे हैं और वह दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। गांव के सभी लोग भी अचंभित हो जाते हैं कि दोनों स्वामी के लिए लौट कर आ गए हैं, यानी अपने मालिक के पास लौट करके आ गए हैं। अगले दिन से पत्नी ने मजदूर को बैलों को सूखी घास डालने के लिए कह दिया और मजदूर ने वैसा ही किया। दोनों बैलों ने कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को फिर से ले जा करके मोटी तगड़ी रस्सियों में बांधकर सूखा सूखा भूसा डाल दिया और बैलों को, खुद के जो बैल थे उनको अच्छा चारा दे दिया। अगले दिन दोनों खेत में जोत दिए गए, लेकिन मार खाने पर भी दोनों ने पैर नहीं उठाया और दोनों भाग खड़े हुए। मोती को बहुत गुस्सा आ रहा था, किंतु हीरा उसे समझा रहा था। गया ने फिर से उन्हें पकड़ा और मोटी रस्सियों में बांध दिया, फिर से चारा दे दिया। इस तरह दोनों काम करते करते काफ़ी थक गए थे, मार खाते और सूखा भूसा खाते। एक दिन गया की लड़की ने दोनों को खोल दिया और शोर मचा दिया कि बैल भाग गए हैं। गया हड़बड़ाकर बाहर भागा और गांव वालों की सहायता के लिए चिल्लाया, लेकिन दोनों भाग चुके थे। दोनों बैल भागते भागते राह भी भूल बैठे और उन्हें भूख भी लगी थी तो मटर के खेत में चरने लग गए। कुछ देर में एक सांड और आया, उनसे भिड़ गया। दोनों ने जान हथेली पर रख करके बड़े प्रयत्न से उससे लड़ाई की। दोनों ने बड़े साहस के साथ सांड पर विजय प्राप्त की। सांड मार खाकर गिर पड़ा। संघर्ष के बाद दोनों को फिर से भूख लग गई और मटर के खेत में चरने लगे। थोड़ी देर में मटर के रखवाले ने पकड़कर कांजी होंस में उन्हें बंद कर दिया। कांजी होंस में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, रात का खाना भी नहीं दिया गया, भूख के मारे वो मरे जा रहे थे। हीरा को दीवार तोड़ते देख करके मोती ने भी उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। दोनों पकड़े गए। एक सप्ताह तक दोनों कांजी होंस में भूखे थे तो कमजोर हो गए थे और दोनों बैलों को दड़ियल के हाथ नीलाम कर दिया गया। दड़ियल उन्हें ले जा रहा था तो दोनों को परिचित राह मिल गई और वे उससे छूट कर सीधे झूरी के घर जा पहुँचे। झूरी धूप सेक रहा था, बैलों को आता देख करके उसने उन्हें गले से लगा लिया। झूरी और दड़ियल में झगड़ा हो गया, किंतु बैलों को फिर से वही प्यार मिला। दोनों को झूरी ने उनकी पीठ सहला करके प्यार किया और मालकिन ने भी उनका माथा चूम लिया। दोनों बैलों को बहुत ही अच्छा चारा दिया गया। इस प्रकार से दोनों बैल अब बहुत ही खुशी को महसूस कर रहे थे और उनका ये एक सुखद अनुभव रहा कि वो वापस अपने मालिक के घर आ गए थे।